हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, आज हम एक ब्लूटूथ स्पीकर बनाने वाले हैं जो कि पूरी फुल कंडीशन में डेड हो चुका है दोस्तों। तो ये किस कंपनी का है दोस्तों, ये भी नहीं पता है। तो चलिए, इसको किस तरीके से रिपेयर किया जाता है, इसमें क्या फॉल्ट है, आज हम उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारी वीडियो आपको अगर अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए दोस्तों। तो चलिए, हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट हम इसको ओपन कर लिए हैं दोस्तों। तो ओपन करने के बाद दोस्तों, चलिए इसको सबसे पहले मल्टीमीटर की मदद से इसका बैटरी का वोल्टेज चेक करते हैं दोस्तों। किसी भी चीज़ को हम सबसे पहले रिपेयर करते हैं, अगर डीसी वोल्ट पे वो चलता है तो सबसे पहले हम बैटरी को चेक करने के लिए बोलते हैं दोस्तों। तो आप भी दोस्तों नोटिस करके रखें, जब भी बैटरी से कोई भी चीज़ चलती हो तो उसको दोस्तों सबसे पहले बैटरी का वोल्टेज चेक करना होता है। तो चलिए दोस्तों, बैटरी तो चार्ज नहीं है, हम इसको चार्जिंग पर रखते हैं, और बोर्ड को, पीवीसी बोर्ड को बाहर निकाल के पहले क्लीन कर लें, देख रहे इतना घटिया तरीके से सोल्डिंग किया गया है इसमें। तो चलिए, पहले हम इसको फटाफट सोल्डिंग आयरन की मदद से इसको हम क्लीन कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, क्लीन करने के बाद इसमें क्या फॉल्ट होने वाला है और किस तरीके से रिपेयर होगा, हाँ जब हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहिए और देखते हैं। तो चलिए, हम इसको फटाफट ये देखिए क्लीन कर ले रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अच्छे से क्लीन कर लेंगे तो हमको काम करने में भी आसानी होगा और अच्छे से दिखेगा कि इसमें क्या काम हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए शोल्डर की मदद से इसको साफ़ कर लिए, थोड़ा सा इस पर थिनर मार के हम ब्रश की मदद से इसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, तो ताकि हमारा अच्छी तरीके से साफ़ सफाई के साथ रहेगा तो साफ से दिखेगा दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें एक फॉल्ट और था, कस्टमर ने बताया था कि सर कभी कभी चार्जिंग लेता है, कभी कभी छोड़ देता है। तो दोस्तों, ये देखिए इसका चार्जर भी है, रिपेयर हो चुका है एक बार। तो चलिए, सबसे पहले हम ये देखिए इसको बता देते हैं, बैटरी का दो है, एक प्लस और माइनस, और दो स्पीकर का है। तो ये दो चैनल में बसता है दोस्तों, डीसी है। तो चलिए, इसको हम देखिए पहले बैटरी का सप्लाई देते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों, 3.7 वोल्ट चाहे हम बैटरी का सप्लाई देते हैं, या एडाप्टर चार्जर होता है मोबाइल का उससे भी हम सप्लाई देते हैं तो भी हमारा ये ऑन हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, चार्जिंग एक बार भी रिपेयर हो चुका है, तो ये कभी कभी छोड़ता है, पकड़ता है, तो किस वजह से इसको भी हम रिपेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले हम फटाफट बैटरी वाले सप्लाई पे प्लस और माइनस को हम लगा दें। देखिए तो छोटा सा डाटा केबल है जो कि प्लस का प्लस और माइनस का माइनस लगाने पे हम इसको पहले डाटा केबल को अडाप्टर से अटैच करने के बाद देखते हैं हमारी बोर्ड ऑन होती है कि नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों, देखिए हमने वायर को ज्वाइन कर लिया प्लस माइनस का, और अडाप्टर में लगाते ही हम चलिए इसको पावर बटन को ऑन करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको वोल्टेज चेक करवा देते हैं कि हमारी सप्लाई आ रही है कि नहीं बोर्ड के अंदर। तो ये देखिए, माइनस वाले पे माइनस, प्लस वाले पे प्लस, ये देखिए दोस्तों 6 पॉइंट कुछ करके वोल्टेज आ रहा है। तो ये दोस्तों वोल्टेज हमारा थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता है जब प्लेट ऑन होता है हमारा पैनल, तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है दोस्तों। तो ये देखिए, पैनल पूरी तरीके से डेड है, ऑन नहीं हो पा रहा है। तो ये दोस्तों डेड किस वजह से हुआ है उसको भी हम आज बताएँगे। तो चलिए, हम इसको पहले फटाफट चिमटी की मदद से इसको शॉर्ट करके इसका स्विच देख ले, हो सकता है हमारा स्विच ही ख़राब हो। तो दोस्तों, ऐसा कुछ फॉल्ट नहीं है, ये पूरी तरीके से डेड है, ऑन नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, इसमें क्या फॉल्ट है चलिए हम आपको आगे बताते हैं। तो इसको देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से करना होता है। तो चलिए, हम सबसे पहले इसका स्पीकर का वायर को अटैच करते हैं दोस्तों। कभी कभी होता क्या है कि हमारे जो इसमें LEDs लगे रहते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं, फिर भी हमारा बोर्ड ऑन रहता है। तो दोस्तों, इस कंडीशन में एक बार आप स्पीकर लगा के ज़रूर चेक करें कि हो सकता है हमारा जो पावर कोड था वो ऑन हो जाए। ये देखिए दोस्तों, ऑन भी हो गया हमारा। तो चलिए, हम पहले इसको डिसकनेक्ट करके फिर से हम आपको कनेक्ट करके दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा दूसरा वायर था स्पीकर का, हम चलिए इसको भी यहाँ पर सोल्डिंग कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए, हम देर ना करते हुए फटाफट दोनों पर लिक्विड पेस्ट लगाते हैं और इसको यहाँ पे हम सोल्ड कर देते हैं। स्पीकर का वायर प्लस की जगह प्लस और माइनस की जगह पे माइनस। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए दोनों वायरों को हम अच्छे से सोल्ड कर लिए। चलिए फिर से वापस, ये देखिए प्लस वाला लगाने पे हमारा ऑन हो जाता है बोर्ड। ये देखिए दोस्तों, कितना अच्छे तरीके से ये ऑन हो गया दोस्तों। तो ये देखिए, ये चालू कंडीशन में दोस्तों, ये देखिए चलिए हम इसका चार्जिंग पिन लगाते हैं, और चार्जिंग पिन लगाने के बाद दोस्तों चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, मल्टीमीटर पे 20 वोल्ट को हमने सेट किया है, और यहाँ पे भी चेक कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं बता रही है। तो दोस्तों, ये कभी कभी पकड़ लेता है, कभी कभी छोड़ लेता है। तो इसको हम चलिए दोस्तों, ये देखिए इसका जो आईडी ऑक्स पिन का होता है वो भी टूट चुका है। तो चलिए दोस्तों, इसके शोल्डर से हम जो चार्जिंग पिन है इसको हम यहाँ से बाहर कर लेते हैं, चार्जिंग जिक बोलते हैं दोस्तों इसको। तो इसको यहाँ से हम बाहर वो निकाल लेते हैं। निकालने के बाद दोस्तों, थोड़ा सा लिक्विड पेस्ट लगा के इसको हम अच्छे से क्लीन अप कर देते हैं, ताकि हमको भी काम करने में आसानी हो जाए। तो इतना कचड़ा रहने के बावजूद दोस्तों, कुछ सही से दिख नहीं रहा था,
तो चलिए हम इसको यहाँ से ऐसे करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा थीनर इसको लगा देते हैं। लगाने के बाद ब्रश से अच्छी तरीके से साफ़ कर देते हैं ताकि हमको क्लियर ही दिखे कि इसमें क्या फॉल्ट है। चलिए दोस्तों हम आपको जूम करके दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखिए टूट चुका है, तो फिर भी हम इसको रिपेयर करेंगे। तो एक बार ये तो रिपेयर हो चुका है, बट हम दोस्तों जिस तरीके से रिपेयर करेंगे वो 100% वर्क करेगा अच्छे तरीके से, लॉन्ग लाइफ चलने वाला। तो दोस्तों मल्टीमीटर को बजर माउंट के रेंज पर सेंड करते हैं कंटिन्यूटी पे, तो एक माइनस के माइनस वाले प्रॉप पे हम लगाते हैं बैटरी के, और एक यहाँ पे जो हमारा पिन टूटता है वहाँ पे लगाते हैं। तो जिसमें हमारा बजर मोड बज जाता है बजर, तो हमारा माइनस का हो जाता है। और ये दोस्तों ये देखिए एक डायोड होता है जो कि हर तरीके का डायोड होता है, तो अगर आपको डायोड से समस्या हो रही तो आप सब कमेंट करें तो हम अलग से डायोड पर वीडियो बनाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों ये डायोड होता है, डायोड के थ्रू ही हमारा सप्लाई बैटरी के पास आती है, जो कि हमारा डायोड एक तरफ सप्लाई को जाने देता है और एक तरफ से रोक देता है। तो चलिए दोस्तों ये देखिए हम यहाँ पे जिस पे माइनस का बताते हैं, देखिए ये माइनस का है, तो हम माइनस वाले पे माइनस का जो वायर है उसको हम कनेक्ट कर देते हैं। और कनेक्ट कर देने के बाद दोस्तों चलिए हम इसको विदाउट बैटरी से हम आपको चलवा के दिखाएंगे दोस्तों, क्योंकि अगर बैटरी नहीं लगता है तो चार्जिंग पे भी ये प्लेट ऑन हो जाता है। तो ये देखिए माइनस वाले ग्राउंड पे ग्राउंड रखे हैं, और ये देखिए एक यहाँ पे पिन है, इस पर हम अटैच करते हैं तो हमारा कंटिन्यूटी बताता है, मतलब ये ग्राउंड है। तो चलिए इसको माइनस वाले पे माइनस हम लगा देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हम इसको सोल्ड कर दिए हैं। सोल्ड कर देने के बाद दोस्तों ये देखिए दूसरा हमारा जो वायर होता है डायोड के आगे थोड़ा सा दोस्तों एक रजिस्टेंस लगा रहता है जो कि हमारा फ्यूजुअल रजिस्टेंस का काम करता है, तो इसको हम यहाँ पे सोल्ड कर देते हैं। इससे हमारा होता क्या है दोस्तों, अगर हमारी बैटरी के पास जाती हुई कोई भी सप्लाई अगर शॉर्ट सर्किट होती है तो हमारा जो फ्यूज है, फ्यूजुअल रेजिस्टेंस है, वो उड़ जाती है। तो दोस्तों ये देखिए हमारा काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करने लगा है, देखिए हमारी चार्जिंग पे भी ये ऑन हो गया है। तो चलिए दोस्तों ये देखिए हमने बैटरी का वायर को हटाया है, फिर भी ये देखिए हमारा चल रहा है। तो चलिए इसको हम इसमें दूसरा पिन को अटैच कर देते हैं। तो दूसरा पिन किस तरीके से लगाना होता है दोस्तों, आज हम उसको भी हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो दोस्तों इसका अगर चार्जिंग जैक या पावर कोड बटन टूट जाता है तो आप सब कमेंट करिए इसको किस तरीके से जम्फर करके इसको लगाया जाता है, उसको भी हम आपको बताएंगे अगर उसका नॉलेज आपका ना हो तो। चलिए हम ये देखिए बारीक सा वायर आता है जो डीसी मोटर वगैरह आते हैं छोटे वाले, तो उसमें भी दोस्तों निकल जाते हैं, जो घड़ी वगैरह होते हैं या स्टेबलाइजर का जो घड़ी होता है उसमें भी बारीक सा वायर निकल जाता है। तो किसी में से दोस्तों आप बारीक सा वायर ले लें, और लेने के बाद दोस्तों दो वायर को इसमें देखो हमको सोल्ड करना रहता है। तो चलिए हम इसको चार्जिंग पिन में किस तरीके से वायर को सोल्ड करते हैं वहाँ पर हम सोल्डिंग कर लेते हैं एकदम बारीक सा वायर। और सोल्डिंग कर देने के बाद दोस्तों चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमारा ये चार्जिंग पिन है, ये पतला वाला वायर है, इसको हम यहाँ पे सोल्ड करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों हमने सोल्ड कर लिया है दोनों किनारे वाले प्रोब से। तो करने के बाद दोस्तों चलिए इसको किस तरीके से इसमें बैठाते हैं। पहले इसका ये देखिए साचा के जैसा बना रहता है, ये देखिए इसमें कटा हुआ है, तो इसमें भी कांटे के जैसा रहता है, इसमें डाल के हम इसको अच्छे से बैठा के इसको सोल्ड कर देते हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा सा टेढ़ा था, इसको हम सीधा कर लेते हैं। सीधा कर देने के बाद दोस्तों इसको हम यहाँ पे इसके होल के अंदर डाल के इसको हम अच्छी तरीके से फिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों फिक्स किस तरीके से करना होता है, तो देखिए डाल के दोस्तों हमने फिक्स कर लिया है। फिक्स करने के बाद देखिए एक वायर को हमने माइनस वाले प्रॉप पे यहाँ पे जहाँ पे हमने आपको बताया था वहाँ पे हमने लगा दिया है, और दूसरा वाला जो फ्यूजुअल रेजिस्टेंस का था वो दूसरे वाले सिर्फ लगा दिए। देखिए जैसे भी दोस्तों हम इसको ऑन लगाते हैं चार्जिंग पे, ये हमारा ऑन हो जाता है। देखिए दोस्तों हमने बैटरी का वायर भी हटा के रखा है, फिर भी हमारा बोर्ड चल रहा है। तो दोस्तों ये देखिए हम आपको चेक करवा के दिखाते हैं, देखिए सप्लाई हमारी काफ़ी अच्छी तरीके से आ रही है, वर्क कर रहा है। तो दोस्तों चलिए हम इसको फिर से एक बार फिटिंग करते हैं, देखिए बैटरी के साथ अटैच करके हम आपको ऑन करवा देते हैं। तो जैसे ही बैटरी से हमने अटैच किया ये देखिए ऑन हो गया फिर से। तो ये दोस्तों हमारा दोनों तरीके से ऑन ऑफ हो रहा है, तो दोस्तों ये चार्जिंग भी ऑन हो चुका है। तो चलिए दोस्तों इसको हम फटाफट पैक कर लेते हैं। पैक कर लेने के बाद दोस्तों तो दोस्तों ये हमारा काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करने लगा है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो दोस्तों एक बार मैं आपसे फिर से बोलना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और भी चीज़ को रिपेयर करने में आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों तो हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।